कंसोल में निजी कार्यक्रम में आए सारण झारखंड एमएलए रणधीर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की। उनका यह कहना है कि यहां पर ममता सरकार में जंगल राज चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को मार के टांग दिया जाता है और खुदकुशी का नाम दे दिया जाता है। पहले पूर्णिया में हुई थी, अब देवेंद्र रॉय के साथ। यहाँ के राज्यपाल को हर समय अपमानित करना ही तृणमूल की सरकार की नेत्री ममता बनर्जी का स्वभाव हो चुका है। आने वाले दिनों में पूरे पश्चिम बंगाल में भगवा लहराएगा। 2021 में वह दिन जल्द आ रहे हैं। आसनसोल संसदीय क्षेत्र में 7 विधायक की सीटें हैं, सातों की सातों। 2021 में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। इस तरह से बंगाल में जो अपराजकता चल रही है उसको दूर किया जाएगा। कोरोना महामारी के आंकड़े को छुपाने की जो साजिश चल रही है यह सारी देश जान चुकी है। अम्फान में प्रभावित क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल सरकार सही से राहत सामग्री नहीं पहुंचा रही है, इस पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। तृणमूल नेता निजी स्वार्थों के लिए कार्य कर रही है। इस तरह से आने वाले दिनों में यह सब बंगाल में नहीं होगी। झारखंड के विषय में कहा, बीजेपी की सरकार जब थी बहुत सी योजनाओं का शुरुआत नहीं की गई थी। अब हेमंत सोरेन की सरकार ने सभी योजनाओं को बंद कर दी है, वहां भी यही हाल है। आने वाले दिनों में फिर से बीजेपी की सरकार आएगी और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की हर राज्य में सरकार बनेगी। इस कार्यक्रम में आसनसोल जिला बीजेपी के शंकर चौधरी और युवा कार्यकर्ता उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल की सरकार आंकड़ों को दबाने का काम करती है, हमें पता है, आप मीडिया से अभी को भी पता होगा कि आंकड़े कितने यहाँ दबाए जा रहे हैं। इसलिए जवाब दीजिए, जब जो सरकार के लिए सरकार के संरक्षण में यहाँ अपराध फल खुल रहा है, तो भी COVID-19 का आंकड़ा दबाना सरकार के लिए बाया दखल है। लगातार दबाए जा रहे हैं यहाँ पे, ये दबाने की चीज नहीं है। एक अरे कोई संक्रमण हुआ, किसी को पॉजिटिव है तो उसका इलाज कराएंगे ना। सरकार कहीं ना कहीं फेल हो गई है पूरी तरह से। COVID-19 के ये इलाज में सरकार ममता सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, इसीलिए आंकड़े को दबा के अपना जनता के बीच में अच्छी छवि बनाकर रखना चाह रही है। जनता सब चीज को जान रही है और किसी चुनाव में जवाब देगी। बोलिए सर, झारखंड में क्या परिस्थिति है? झारखंड में हम लोगों ने अभी वहाँ पे UPA की सरकार है, उस सरकार को जनता ने मैंडेट दिया है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं सरकार काम करे। झारखंड में